शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। छोटे सरकार, बाहर आपके कुछ किसान आपसे मिलने आए हैं। हमारे किसान बाहर क्यों खड़े हैं? उन्हें हमारे पास अंदर भेजा जाए। जो छोटे सरकार, हमें एक अर्जी लिखवा कर लाए हैं आपके लिए। हमने पढ़ ली है अर्जी। तब आपने तो देखी तक नहीं। हमने पढ़ ली है। इनकी आंखों के अंधेरों में, इनके चेहरों की झुर्रियों में, इनकी भूख और हमारे जुल्म की कहानी इनके माथों पे लिखी है। लता, हमारे गांव आदर्श गांव होने चाहिए। इनमें से जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर दे दिए जाए। जिनके पास जमीनें नहीं, जमीनें दे दी जाए। जमीनों पे कुएं खुदवा दिए जाए, पंप लगवा दिए जाए, हमारे अनाज के गोदाम खोल दिए जाए। जो जितना ले जाना चाहे उसे ले जाने की इजाजत है। ये देखो। कौन है ये? कौन है? तुम कौन हो? हम कौन हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस तस्वीर में मौजूद है। चेहरे की शांति देखो, आंखों में भरा हुआ प्यार देखो। ये वो देवी है जो हमारी मां है, लेकिन हमें मां से बढ़कर प्यार दिया इसने। लता, आसमान में उड़ते पंछियों, जमीन पे रेंगते हुए कीड़ों और जंगल में घूमते हुए जानवरों को भी मां का प्यार मिलता है। नहीं मिलता तो अमीरों के बच्चों को नहीं मिलता। जानती हो बच्चे के मुंह से क्या पहला शब्द निकलता है? मां। लेकिन ये शब्द जब पहली बार चीख बन के हमारी छाती से निकला, तो उसका जवाब हमारी अपनी मां ने नहीं दिया, इसकी ममता ने दिया हमें। मां, इसीलिए हमने हमेशा इसी को मां माना और किसी को नहीं। हमारी मां को तो हमारे साथ खेलने से ज्यादा ताश खेलने का शौक था। पता खेलिए रानी साहिबा। बड़े कुंवर तो आपसे भी अच्छी ताश खेलते हैं। क्यों ना खेले, बेटा किसका है। लेकिन छोटे कुंवर कहाँ रहते हैं? उनको कभी नहीं देखा माँ के पास। आया तेरा छोटे कुंवर को बोला। सोच क्या रही हो, पत्ता फेंको ना। ठहरो भी माँ, वो क्या खेल रहे हैं? बोलो ना माँ, वो क्या खेल रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो बेटे? ये तुम्हारी आया है? माँ तो हम है। नहीं, आप रानी माँ जी और ये माँ है। आया, ये तुम क्या सिखा रही हो छोटे कुंवर को? अगर तुम माँ हो तो हम क्या है जी? खामोश। राजा साहब किधर है? बच्चा आपको माँ कहे तो कैसे? आपने बच्चे को माँ का प्यार नहीं दिया। ताश के 52 पत्ते दिन में 1000 बार देखती हैं आप, लेकिन आपको फुर्सती नहीं मिलती कि बेटे का चेहरा दिन में एक बार देख सकें। उसने जब भी आपको देखा है, चलती फिरती तस्वीर की तरह देखा है। बच्चा तो उसी को माँ कह सकता है जिससे उसे माँ का प्यार मिला हो। इसलिए इसलिए हम आया को नहीं निकाल सकते, आपके कहने पर भी नहीं। तो आपको भी बेटे की तरह आया हमसे ज्यादा पसंद है क्या? ये वही खून है जो अब तक जमा हुआ हमारे दिल पर। वो भयानक तस्वीर खुदी हुई हमारे सीने पे, खून में डूबी हुई हमारी माँ, मौत की आंधी में कांपता हुआ उसके होठों पे आखिरी शब्द, बेटा। हम दुनिया में सब कुछ भूल सकते हैं, मगर वो खून नहीं भूल सकते।
रानी माँ जी ने बहुत कोशिश की हमें बहलाने और अपनाने की, लेकिन हम वो खून की लकीर कभी ना पार कर सके जो उनके और हमारे दरमियान खींच गई थी। पिताजी के दिल पे भी कम चोट नहीं आई। रानी माँ का जुर्म तो छुप गया दौलत के जोर पे, लेकिन पिताजी के दिल पे नासूर बन के बैठ गया। किस तरह वो परसों बिस्तर से ना उठ सके। 15 साल इसी में गुजर गए। फिर एक दिन, बेटा करण, हम जानते हैं तुम अभी तक अपने आया की मौत को भुला नहीं सके, इसलिए अपनी माँ से दूर दूर रहते हो। लेकिन बेटे, हमारी दुनिया एक और ही दुनिया है, ऊंचे लोगों की दुनिया, जहाँ इंसान की जान से उसके खानदान की झूठी शान की ज्यादा कीमत होती है। हम दिल खोल के हंस भी नहीं सकते, जी भर के रो भी नहीं सकते। पिताजी, आपको डॉक्टर ने पीना मना किया है? हाँ बेटे, इसके सिवा डॉक्टर कर ही क्या सकते हैं। उनके पास हर बीमारी की दवा है, लेकिन यादों को मिटाने की दवा नहीं। हम भी यादों को मिटा नहीं सकते, सिर्फ भुलाने की कोशिश कर सकते हैं शराब के सहारे। पिताजी इस दुनिया से चले गए, मगर उनके जाने के फौरन बाद हम भी उन्हीं के कदमों पर चलने लगे। हमें भी वही बीमारी थी जो उन्हें थी, याद। हमने भी इलाज ढूंढा तो वही ढूंढा, शराब। अब तुम्हें मालूम हुआ लता, हम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते? कौन कहता है आप शराब नहीं छोड़ सकते? मर्द वही होता है जो अपनी कमजोरियों से ज्यादा कमजोर नहीं होता। आप विश्वास नहीं करते मुझ पर? विश्वास करते हैं, इसलिए लता हम तुम्हारे सर पे हाथ रख के इस देवी की सौगंध खा कर कहते हैं, हम आज के बाद शराब कर नहीं पीते। अरे लता, ओ लता, मुझे शराब की कसम, मैं तुझसे बदला लूंगा। तेरी वजह से मेरे छोटे सरकार भटक गए, मैं उनको फिर से रास्ते पे ले आऊंगा। तेरा सत्यानाश हो। ये मेरे जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है? मेरी नसें क्यों फट रही हैं? अरे ये पेट्रोल का पीपा कहाँ से उठा लाई? मुझे तो शराब चाहिए थी मेरी माँ। अरे पीपा पेट्रोल का है, अंदर मावे की शराब भरी है। उनका बहनोई रोज पीवत है। अच्छा, अरे तो आज बहनोई समझ के ही पिला दे मेरी रानी। ले ले ला। अरे 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 अरे, हाँ, इसने तो अंदर बाहर सब जला दिया। ये शराब है कि पेट्रोल? अरे देसी माल ऐसा ही होवत है। लेकिन तुमरे को माल से क्या, तुम्हें तो नशा चाहिए, और इसमें अंग्रेजी से बढ़कर नशा होवत है। चल ले जा। अच्छा, ले, लेट गया। आंखें बंद कर। बंद कर ली। अब मुंह खोल। हम तुम्हें मजे से पिलावत है। ले। अरे तू पहले घास लेट बेचती थी क्या? तुमरे को नशा मंगता है कि नहीं? नशा नशा। चौक फिर लो। फिर क्या? लो नशा। बोलो कैसा है नशा? अरे मुझे को यार माफ करना, मैं नशे में हूँ। बिजली, हमको किसी की परवाह नहीं है। अरे छोटे सरकार ने शराब पीनी छोड़ दी तो क्या हुआ? बड़े सरकार ने तो नहीं छोड़ी। क्या मतबल? हम बड़े सरकार की नौकरी करेंगे, हम उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। थी, 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 थी। अरे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, हमरे को ये बात पसंद नहीं। अरे आजकल बड़े बड़े लोग यही करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी,
माल कमाने का यही तरीका है। छोटे सरकार, बाहर आपके कुछ किसान आपसे मिलने आए हैं। हमारे किसान बाहर क्यों खड़े हैं? उन्हें हमारे पास अंदर भेजा जाए। जो छोटे सरकार, हमें अर्जी लिखवा कर लाए हैं आपके लिए। हमने पढ़ ली है अर्जी। तब आपने तो देखी तक नहीं। हमने पढ़ ली है। इनकी आंखों के अंधेरों में, इनके चेहरों की झुर्रियों में, इनकी भूख और हमारे जुल्म की कहानी इनके माथों पे लिखी है। लता, हमारे गांव आदर्श गांव होने चाहिए। इनमें से जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर दे दिए जाए। जिनके पास जमीने नहीं, जमीनें दे दी जाए। जमीनों पर कुएं खुदवा दिए जाए, पंप लगवा दिए जाए, हमारे अनाज के गोदाम खोल दिए जाए। जो जितना ले जाना चाहे उसे ले जाने की इजाजत है। छोटे सरकार, हम आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे? एहसान? एहसान किस बात का? हम तुम्हें दान नहीं दे रहे। समझ लो हम अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। धन्य है आप छोटे सरकार। भगवान आपको लंबी उम्र दे। बता सुखी रहे। पता, हमारे दौरे का इंतजाम करो। हम अपनी जमीनों पर जाएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। लता, जो चीजें हवाओं में लहराती हैं और आसमानों पर उड़ती हैं, उन्हें बांधना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंधी हुई छुपी हुई अच्छी लगती हैं। आज के दिन हम बरखा माता की पूजा करते हैं। आज के दिन तोहरा के हमरा संग गावे पड़ी, खावे पड़ी, नाचे का पड़ी। हमें नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। हाँ मालिक, प्यासी धरती की पुकार हम कितवा से ही आसमान तक पहुँचावत हैं। ये धरती तो वो धरती है मालिक, जहाँ नेहरू जी भी नाचिन है, शास्त्री जी भी नाचिन है। इस त्योहार की खास रीत होवत है मालिक। पहले हम मर्दन औरतन की टोलियाँ बनावत हैं, फिर जोड़ियाँ। जौन जोड़ी सबसे सुंदर होवत मुखिया उनका अंगूठियाँ पहनावत है। अरे सबसे सुंदर जोड़ी तो यही बैठी है, एक राजा दूजी रानी। लाओ अंगूठियाँ। लाओ मालिक। ठहरो, तुम दोनों तो बहुत अनाड़ी निकले हो रे। अंगूठी पहनी नहीं जावत, पहनाई जावत है। तोहार अंगूठी ऊ का पास है, ऊ का अंगूठी तोहार पास है। अपना अंगूठी अपना रानी का पहनावा? ऐसे नहीं। अब पहना। अपने राजा को पहनावा। हाँ।
तुम वहां काट क्यों रही हो? यहां जाओ आपके पास। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। क्या जो तुम्हारे साथ हो रहा? जी चाहता है कुछ कहे मगर कहा नहीं जाता, दिल चाहता है कुछ कुछ भी नहीं। बाद में करना, पहले ये बताओ जो माल लाने गए थे लाए हो कि नहीं? अरे हुजूर कैसी बात कर रहे, लाया हूं। ये तो आ गई, वो नहीं आई क्या? वो भी आई है सरकार। इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं, और दोनों के बिना दुनिया नहीं सरकार। लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? आप तखत राम को मूर्ख राम समझ रही है सरकार, गुलाम को मालूम नहीं क्या? किसी ने देख लिया तो हुजूर की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन माल है किधर? मालिक लाया हूँ, अभी बुलवाता हूँ। अरे अंदर आ रही। बड़े हुजूर को प्रणाम कर ले। या? हाँ हुजूर, आज ही आई है नई नई मिस लिली, बीए पास। क्यों? या ब्यूटी ब्यूटी बोटी बुरी नहीं है, अच्छी ब्यूटीफुल। हुजूर हुजूर माल पसंद आया। ठीक है सुन जा मालिक। लो कह रहा आदाब। बेबी तुम्हें नाचना आता है? या 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 क्या? कौन तुम? कौन तुम? हम पिछड़ी है हुजूर। हुजूर हमारा कोई कसूर नहीं हुजूर, वो हमको बोला या बोलने को। कौन बोला या? तक्सम तक्सम हुजूर माल कैसा लगा? हम चजूर बोल क्या महल की एक नौकरानी को हमारे पास ले आए, अगर उसने बाहर जाकर मुंह खोल दिया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? आप उसकी फिक्र मत करिए सरकार, मैं उसका मुंह बंद करवा दूंगा। मगर हुजूर मैंने उससे वादा किया था कि आप उसे इनाम में 5 एकड़ जमीन और एक मोटर वाला पंप देंगे, बस इतना कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा सरकार। मगर याद रखो अगर इसके बाद भी ये बात बाहर निकली हम तुम्हें गोली सुना देंगे। आप क्यों तकलीफ करते हैं सरकार, मैं खुद ही अपने आप को गोली मार लूंगा, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। अच्छा जाओ जाओ, वो 5 एकड़ जमीन हो जाएगा। आदाब सरकार। सुना है आपके छोटे भैया लाखों रुपए खर्च करके एक महल बनवा रहे हैं, किसके लिए? हमें क्या मालूम। आपको तो तब मालूम होगा जब एक मामूली नौकरानी इस घर में रानी बन जाएगी। रानी? हाँ रानी। सच पूछिए तो महल नहीं बन रहा, हमारे और आपके अरमानों की समाधि तैयार हो रही है। हंसने की बात नहीं है, लता ने बहुत ऊंची कमन फेंकी है। डार्लिंग ये करण का अपना मामला है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी शादी वहीं होगी जहां उसका दिल होगा या माँ की मर्जी होगी। आपके माता जी की मर्जी तो कल तक यही थी ना कि करण की शादी हमारी बहन के साथ की जाए।
और शादी उसी के साथ होनी चाहिए। हम अपनी बहन के लिए नहीं, आपके हित के लिए कह रहे हैं। करण की दौलत को अपने कब्जे में लेने का यही एक तरीका है।